मुख्यालय स्थित आरएनजे डिग्री कॉलेज ग्राउंड में अल फलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट रामपुर के तत्वाधान में जामिया नबिया रामपुर तथा मधवापुर पंचायत के विभिन्न सरकारी स्कूलों के इस वर्ष की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को मोमेंटो व शैक्षणिक सामग्री प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। वहीं हर साल की भांति इस वर्ष भी संस्था द्वारा लगभग 200 गरीब बच्चों के बीच बढ़ती ठंड व शीतलहर को देखते हुए गर्म जैकेट का वितरण किया गया। और चलिए समारोह को संबोधित करते हुए मधवापुर थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने कहा कि शिक्षा से समाज मूल्यवान बनता है। समाज के उत्थान के लिए किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय। समाज में एक नई रोशनी मिलेगी, शिक्षा का महत्व हम करते हैं। आज समाज में बहुत सारी विकृतियां शिक्षा की कमी की वजह से हो रही है, तो हमारे बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे बच्चों की तालीमी, बच्चों की शिक्षा और समाज के बेहतरी के लिए और अच्छे बच्चे जो इस तारीख में अव्वल दर्जे से पास हुए हैं उनके सम्मान में यह कार्यक्रम करता है। इस तरह के कार्यक्रम का सदैव आगाज होना चाहिए ताकि लोगों की, विद्यार्थियों की, छात्रों की रुचि इसमें सदैव बनी रहे। कंपटीशन वो कभी भी बिहार बोर्ड से या सरकारी स्कूल से जो आपका मुकाबला उससे है, मदरसे की जिम्मेदारी क्या है? मदरसे की कंपटीशन मैं ये हमेशा मानता हूँ। मेरे समझ से बहुत बड़े खुशी का दिन होना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन को तहे दिल से, हृदय से, अपनी आत्मा से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस प्रकार का कार्यक्रम एक छोटे से स्थान पर आपने किया है, आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम हो। जहाँ जहाँ जिस मुद्दे पर देख लें, अगर वो अपने से जुड़े हुए लोगों का गलत इस्तेमाल करता है तो मैं ये कहता हूँ कि इंसान तो है लेकिन उसके अंदर से इंसानियत नहीं। तालीम का सबसे अहम मकसद ये है कि हम अपने अंदर इंसानियत को लाएं। जब इंसानियत हमारे अंदर आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि आपने जो तालीम हासिल किया है वो कामयाब तालीम हासिल किया है। इंसानियत आपके अंदर से अगर निकल गई तो आप पूरी दुनिया का इल्म अपने सीने में समेट लें। आपके तालीम से समाज को, कौम को, मुल्क को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपने समाज को शिक्षा के मैदान में बेहतर बनाएं। समारोह की अध्यक्षता सरपंच बलराम झा जबकि संचालन संस्थान के अध्यक्ष मुफ्ती फिरोजुल कादरी मिसबाही ने किया। मौके पर अतिथि मुखिया राजेश कुमार, उप सरपंच अतीबुल रहमान, कारी नसीम साहब, आरएनजे कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर उमेश आर्य, भाजपा नेता शिव कुमार शाह, जमील अख्तर सहित दर्जनों अतिथि, स्थानीय समाज के लोग व संस्थान के सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे।